पंजाब में बल्दियाती इदारों की बहाली का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट जनरल और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को नोटिस जारी कर दिया। रिमार्क्स दिए क्या मेयर्स को काम करने के लिए रेड कारपेट का इंतजार है, लगता है मुंतखब नुमाइंदे काम नहीं करना चाहते। वकील ने बताया कि नुमाइंदों को दफातर में जाने की भी इजाज़त नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इजलास में मामला हल भी हो सकता है, नियत होती तो कुछ कर लेते। समाअत गैर मुइन्ना मुद्दत तक मुलतवी। हमारा रेजोल्यूशन था जो पाकिस्तान ने पेश किया ओआईसी की तरफ से, उसे कामयाबी हुई। ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है। अब इस बुनियाद पर ऑनगोइंग इंक्वायरी कमीशन एस्टैब्लिश किया जाएगा। अक्वामे मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स काउंसिल में पाकिस्तान की बड़ी सफारती कामयाबी। फलस्तीन में मजालिम और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर तहकीकात की करारदाद मंजूर। वजीर खाजा शाह महमूद कुरैशी का खैर मकदम, कहा गजा में होने वाले मजालिम की तहकीकात होंगी। इंक्वायरी कमीशन तहकीक करके राय कायम करेगा। माजी के हुक्मरान अपने किए की सजा भुगत रहे हैं, पीडीएम भी इनका बोझ बर्दाश्त न कर पाई और जाती मफादात की नजर हो गई। वजीर अला पंजाब उस्मान बुजदार कहते हैं इंतकाम की सियासत की है ना, इस पर यकीन रखते हैं। फिरदौस आशिकवा ने कहा कि नून और शीन का बयानिया आपस में ही लड़ रहा है, पीटीआई एक खानदान की तरह है, गिले शिकवे होते रहते हैं। पाक पतन में पंजाब हुकूमत के प्रोग्राम खिदमत आपकी दहलीज पर का आगाज कर दिया गया। प्रोग्राम के पहले हफ्ते में शहर को नीट एंड क्लीन बनाने के लिए म्यूनिसिपल एहलकारों को मामूर किया गया है। मजीद जानते हैं पाक पतन से तारिक महमूद कंबो की इस रिपोर्ट में। खिदमत आपकी दहलीज पर के पहले हफ्ते में शहर की सफाई सुथराई का आगाज कर दिया गया। इंतजामी अफसरान ने नगीना चौक में झाड़ू लगाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। डिप्टी कमिश्नर राणा शकील असलम का कहना था, हुकूमत की हदायत है, इसमें हमारे तमाम एसी साहबान, एडीसीज और हमारे जो एमसीज और टीसीज के जितने तहसील काउंसिल का जितना अमला है, उन सब की ड्यूटीज लगा दी गई है। क्लस्टर में शहर को डिवाइड कर दिया गया है और इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग हम लोग करेंगे। हमारी टीम सारी बन चुकी हुई है, हमने इसकी कंप्यूटर के थ्रू भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारे एक डैशबोर्ड बना हुआ है जो ऑफिस में मुकम्मल मॉनिटर हो रहा है, जो भी एक्टिविटी हमारी हो रही है ऑन ग्राउंड वो उस डैशबोर्ड पे रिफ्लेक्ट हो रही है। गली मोहल्लों को नीट एंड क्लीन बनाने के लिए बल्दिया एहलकारों की ड्यूटियाँ लग गयी। पेड़ उठाने, स्ट्रीट लाइट को चालू करना, मैन होल कवर लगाने, पार्कों और ग्रीन बैस को दुरुस्त करना, ये उसके मुताबिक हमने टीम में तस्कील दे दी है। जो इंतजामिया उनका हमारे साथ पूरा तावन है, हमारी टीमें बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही हैं। हमने शहर को 9 सेक्टर में तकसीम कर दिया है और हर सेक्टर में बंदे अपना अपना काम कर रहे हैं। इंतजामिया की जानब से शहर में होने वाली सफाई सुथराई की मॉनिटरिंग के लिए टीमें तश्कील दे दी गई। कैमरा टीम के साथ तारिक महमूद, टुडे न्यूज़, पाकपतन।